सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। ये है कड़वा सच और ये सच जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आकाश ददलानी के बारे में। जी हाँ, आकाश ददलानी ने कई सारे ऐसी बातें की बिग बॉस में एंट्री के वक्त कि उनसे भड़क गए विशाल ददलानी, जो कि म्यूजिक कंपोजर है, बहुत अच्छे गाने भी गाते हैं। अब विशाल ददलानी ने क्या कहा है आकाश के बारे में, जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, मैं बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले ये बता दूं कि आकाश ने कहा था कि वो कहीं ना कहीं रिश्ते में लगते हैं विकास ददलानी के, और साथ ही कहा था कि वो मीत दोस्त के साथ भी काम करते हुए नजर आते हैं। अब कितनी सच्चाई इन बातों में, चलिए जान लेते हैं। हाल ही में ट्वीट किया है विशाल ददलानी ने और क्या लिखा है, दिस इज फॉर ऑल द बिग बॉस एंड फॉर द पीपल हु वॉच इट। क्या लिखा है देखिए, पढ़ते हैं। Some dude on Big Boss claims to be related to me. I checked and he is, but at quite a distance. यानी ये मुझे ऐसा खबरें आई कि Big Boss में कोई बंदा है जो कहता है कि मैं उससे रिलेशन में हूँ या हमारी खानदान रिलेशन में है, कुछ इस तरह से। उन्होंने कहा कि भैया दूर दूर तक ऐसा कोई नाता नहीं है, ऐसा विशाल ने कहा है। आई डोंट नो हिम, मैं नहीं जानता उसे, अपार्ट फ्रॉम सेविंग टेस्टेड मी आस्किंग फॉर वर्क एट फ्यू टाइम्स। या इन्होंने ये भी कहा विशाल ददलानी, उन्होंने कुछ बार से मेरे को मैसेज किया है काम के लिए, इसके अलावा मैं नहीं जानता हूं। कोई सिर्फ ददलानी इस सरनेम लगाए से मैं भाई थोड़ी होता है। अगर मैं मरा हुआ भाई का बेटा भी होता तो मैं भी उससे तब तक काम नहीं देता जब तक वो उस लायक नहीं होता। तो यार मेरा इस बंदे से कोई नाता होता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छा सिंगर नहीं, क्योंकि म्यूजिक सिंगर है या गाना गा रहे तो मैं ज़रूर उसे बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ बिग बॉस के लिए, लेकिन मेरा दूर दूर तक इस बंदे से नाता नहीं है, यानी कि आकाश ददलानी से। यानी कि आकाश ददलानी ने जो भी बातें कही बिग बॉस में एंट्री के वक्त कि वो जानते हैं बैंग बैंग, जानते हैं विशाल को बैंग बैंग, ऐसा कुछ नहीं है भैया। अब विशाल ज़्यादा भड़के नहीं, ये एक अच्छी बात हुई। अब देखते हैं आकाश किस तरह से चीज़ें इस पर बात करते हैं, लेकिन आकाश तो फिलहाल घर के अंदर है, जब तक वो बाहर नहीं आ रहे तब तक इस पर शायद कुछ कहेंगे। लेकिन देखते हैं आकाश की कितनी बातें आने वाले दिनों में सही निकलती या कितनी झूठे निकलती, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें और भी कही है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिलहाल के इतना ही, बैंग बैंग।